करवाई हो शौहर की जमानत? करवाना चाहती थी बट मौका नहीं मिला, जहीन के बॉस ने करवा दी उसकी जमानत। जहीन के बॉस ने या तुम्हारे साहब का बॉस ने? जी मेरा साहब का बॉस? क्या कह रहे हैं आप? ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारी तरफ से गाफिल नहीं हूं मैं सारा, मुझे सब पता चलता रहता है तुम्हारे बारे में, तुम किससे मिल रही हो, क्या कर रही हो। अपने बाप से ज्यादा तुम्हें उस कंगाल आदमी की फिक्र है जिसने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो कंगाल आदमी एटलीस्ट मेरे पे ट्रस्ट तो करता है, आपकी तरह नहीं कि। अच्छा उससे मिल के आ रही हो ना, इसीलिए उसकी जबान बोल रही हो, इतना अच्छा है ना तो उसके पास रहो, यहां आने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई आने की? अपनी सफाई में यह दिखाना चाहता था। ये? क्या ये? मेरी बैंक स्टेटमेंट है सर, पिछले 8 महीने की। अगर आप चाहें तो मैं पिछले 2 साल की स्टेटमेंट लाकर दिखा सकता हूं, शायद इससे आपको कंफर्म हो जाए कि मैंने आपके खिलाफ कोई पैसे वसूल नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है मैं? या ये रकम तुम कैश नहीं ले सकते? आपको क्या लगता है सर मैं इतनी रकम लेकर उस छोटे से घर में रहूंगा, महज चंद हजार की नौकरी करूंगा? सर सर एक बार अपने दिमाग के बजाय दिल से सोचिए, हमने आपके घर का नमक खाया है, मेरे अब्बा वफादार हैं। वफादारी का नाम मत लो, अपने खानदान के साथ आस्तीन के साथ हो तुम और तुम्हारा बाप भी। ठीक है सर, आप जैसा समझते हैं वही ठीक है, मेरी बेगुनाही तो वक्त साबित कर ही देगा, लेकिन आप सारा को कुछ मत कहें, इस पूरे मामले में सारा का कोई कसूर नहीं है। रहने दो जहीन, इनको तुम्हारी किसी बात का कोई असर नहीं होगा, इनका दिल पत्थर का हो चुका है। जिस इंसान को अपनी बेटी के आंसू उसकी वजाहत कुछ समझ नहीं आ रहा, उनको तुम्हारी बात क्या समझ में आएगी? मुझे समझना भी कुछ नहीं है, तुम जैसी नाफरमान औलाद से बेहतर था कि मैं बे औलाद ही रहता। सर सर आप ज्यादती कर रहे हैं सारा के साथ। Just shut up! मेरे जाती मामले में बोलने वाले तुम होते कौन हो? ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है और तुम ही ने मेरी बेटी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया, घटिया इंसान, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, दफा हो जाओ यहां से। एहसन प्लीज गुस्सा मत करें, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। कहो शासमा अभी के अभी निकले, मैं इनके वजूद को एक मिनट भी यहां बर्दाश्त नहीं कर सकता, निकलो। ठीक है प्लीज तुम लोग यहां से चले जाओ प्लीज। बहुत बड़ी गलती थी कि दोबारा तुम्हें इस घर में लेकर आया। बस ठीक है, काम डाउन प्लीज, काम डाउन। वो कार्ड जो आपने मुझे दिए थे, मानी सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।